सबसे पहले आप अपना फेसबुक ओपन करके दाहिने साइड में क्लिक कर लेना और उसके बाद आ गया प्रोफेशनल डैशबोर्ड, तो प्रोफेशनल डैशबोर्ड को भी ओके कर लेना। उसके बाद राइट साइड में आ गया मोनिटाइजेशन, उसको भी ओके कर लेना। उसको जैसे ही ओके करोगे यहाँ पे आएगा आपका, देखिए सेटअप पे आउट अकाउंट, मतलब आपका अकाउंट फेसबुक के साथ कनेक्ट करना है। फिर यहाँ पे आएगा आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अपना डेट ऑफ बर्थ और कंट्री। कंट्री तो इंडिया आ ही जाएगा, लेकिन फर्स्ट नेम और लास्ट नेम वही लिखना जो आपका आधार कार्ड में है, कि पेन मतलब बैंक अकाउंट में है, क्योंकि वही जरूरत है। उसके बाद आएगा इंडिया तो आ ही जाएगा अपना अपनी, और जो बिजनेस टाइप लिखा है यहाँ पे क्लिक करना, यहाँ पे क्लिक करना 100% जरूरी है। और यहाँ पे इंडिविजुअल करना है, इंडिविजुअल जैसा ही आप ओके करोगे फिर आप नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे अपना फुल फिल कर लेना, टोटल अपना बैंक अकाउंट में जो नाम है वो नाम, जीप पे कोड, आपका ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, ये सब आपका यहाँ पे नीचे आएगा। पैन कार्ड, अपना पैन कार्ड नंबर भी लिख लेना। पैन कार्ड नंबर टोटल लिखने के बाद यहाँ पे टिक करने के बाद नेक्स्ट कर देना। यहाँ पे टोटल फिल करना, अच्छे तरह से फिल करके चेक कर लेना और नेक्स्ट कर देना। और नेक्स्ट जैसे ही करोगे यहाँ पे ऑप्शन आएगा बैंक ट्रांसफर, वायर ट्रांसफर, लिंक या पेपल, तो हमें बैंक ट्रांसफर को ओके करना है। फर्स्ट वाला बैंक ट्रांसफर ओके करने के बाद लिंक पे आउट मेथड ओके कर देना। ओके करने के बाद यहाँ पे अपना अपने INR आ जाएगा, क्योंकि हमारा जो करेंसी है INR में है, इंडियन रूपी में है। उसके बाद आप नीचे फुल फिल कर लेना, ये देखिए लीगल फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ये नाम ठीक होना चाहिए। अपना बैंक अकाउंट का और आधार कार्ड का जो एक ही नाम है ना, वही एक ही नाम होना चाहिए हर जगह में। और यहाँ पे देखिए IFSC कोड, बैंक का जो IFSC कोड होता है, कोड और अकाउंट नंबर डाल के आप लिंक पे आउट मेथड को ओके कर देना। जैसे लिंक पे आउट मेथड को ओके कर दिया तो अकाउंट नंबर ऐड हो गया, अभी आ गया टैक्स इन्फॉर्मेशन, तो आपने ऐड टैक्स इन्फॉर्मेशन को ओके कर देना, क्योंकि अभी ऐड टैक्स इन्फॉर्मेशन हमें भरना है। और अगर यहाँ पे अगर आपका मोबाइल फेसबुक लॉगिन नहीं है तो लॉगिन कर लेना। और यहाँ पे देखिए आ गया इंडिविजुअल, ऑलरेडी आ गया, और यहाँ पे लिख रहा है आर यू US सिटीजन, नो मैं US का सिटीजन नहीं हूँ, नो कर देना। और नीचे वाला भी नो कर देना, ठीक है, क्योंकि दोनों नो कर देना। और फर्स्ट वाला इंडिविजुअल आ जाएगा, नेक्स्ट कर देना। और यहाँ पे कंट्री सिलेक्ट कर लेना, देखिए आपका फर्स्ट नेम आ गया और नीचे आ गया कंट्री, तो कंट्री इंडिया कर लेना, क्योंकि इंडिया से हो आप, अगर बांग्लादेश से हो तो बांग्लादेश जो भी कंट्री है वही का कंट्री सिलेक्ट कर देना। और यहाँ पे अपना एक बार चेक कर लेना अपना आधार कार्ड, आपका जो पैन कार्ड वगैरह नंबर वगैरह सब, एड्रेस वगैरह सही है कि पूरा एड्रेस वगैरह सब कुछ ठीक ठाक अगर है चेक कर लेना हमेशा। चेक करने के बाद नेक्स्ट कर देना। फिर यहाँ पे भी आपका फुल एड्रेस आ जाएगा, यहाँ पे भी एक बार चेक कर लेना जो आपका एड्रेस सही है कि नहीं है, अगर सही नहीं है तो बैक कर लेना। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आएगा लोकेशन ऑफ सर्विस प्रमोट, तो फर्स्ट वाला ऑल कर देना। यहाँ पे जीरो टैक्स 0% भी आ सकता है, तो 0% क्लिक करना, लेकिन मेरा आया है ऑल सर्विस विल, तो ऑल सर्विस को ओके करके नेक्स्ट कर दिया। जैसे मैं उसको नेक्स्ट कर दिया तो यहाँ पे मेरा देखिए आ गया, यहाँ पे बोल रहा है आप सिग्नेचर करिए। सिग्नेचर में हमेशा अपना फुल नाम लिखना जो आपका बैंक अकाउंट में है, और वहां पे टिक मार देना। टिक मारने के बाद नेक्स्ट कर देना। जैसे ही आप टिक मारने के बाद फुल नाम लिखने के बाद आप नेक्स्ट कर दोगे, ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद एक फॉर्म आएगा, ये देखिए फुल फॉर्म। यहाँ पे अपना देखना एड्रेस वगैरह सही है कि नहीं है, अपना घर का एड्रेस वगैरह सही है कि नहीं है, उसके बाद आप सबमिट कर देना, ठीक है। एक बार चेक कर लेना, यहाँ पे भी हर जगह में चेक कर लेना अपना एड्रेस वगैरह या जो भी डाले हो आपने, सब चेक कर लेना, उसके बाद नेक्स्ट कर देना। जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पे आएगा आपका फुल डिटेल्स, आप एक बार इसको डाउनलोड भी कर सकते हो PDF फाइल को यहाँ से, और फिर आप नीचे जाके डन कर देना, ठीक है। आप डन कर देते ही एड योर टैक्स इन्फॉर्मेशन गोल गोल घूमेगा, और आपका एड योर टैक्स इन्फॉर्मेशन आपने कर दिया, ठीक है, आप टोटल कंप्लीट, आपने बैंक अकाउंट भी लोड कर लिया और टैक्स इन्फॉर्मेशन भी भर लिया। अभी देखो मैंने चेक भी कर लिया, देखो मेरे यहाँ पे एड। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिएगा, दोस्तों को भी शेयर करिएगा।